हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेरिडो फाइट्स के बारे में। इस वीडियो में मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ टेरिडो फाइट को, इसका इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड क्या इसकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं, एमएससी कर रहे हो या ग्रेजुएशन में हो, बीएससी में हो, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली, क्योंकि दोनों ही में आपको पूछता है, साइलेंट फीचर्स वगैरह हो गई या इससे रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये मैं कह रही हूँ बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप सब बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेरिडोफाइट जो होता है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। टेरॉन मतलब फीडर होता है एंड फाइटोन मतलब प्लांट होता है। ऐसे प्लांट जो कि फीडर लाइक जिनके लीफ होती है उनको टेरिडोफाइट कहते हैं, और इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम भी कहते हैं। वेस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। फर्स्ट ऐसा टेरिस्टेरियल प्लांट था जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम देखा गया था। क्रिप्टोगेमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनका जो डेवलपमेंट होता है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए से होता है। ऐसे प्लांट जिनका डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के ज़रिए से होगा उनको क्रिप्टोगेमी प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो टेरिस्टेरियल होते हैं, जो कि हमारा मॉइस्ट और शेडेड प्लेसेस पे ग्रो करना पसंद करते हैं, और कुछ मेंबर एक्वेटिक होते हैं जैसे कि एजोला, मार्सेलिया, सेल्विनिया, और कुछ हमारे पॉन्ड्स में भी देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे ज़ीरोफाइटिक होते हैं जैसे कि इक्वेजेटम। मार्सेलिया को देखो, एक्वेटिक है, एंड इक्वेजेटम इज़ क्या था, ये ज़ीरोफाइटिक है। ये हमारे वैसे ही जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होती है, और ये मार्सेलिया है जिसमें पानी ही पानी है, ये एक्वेटिक है। टेरिडोफाइट्स बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है अपने फॉर्म में, साइज में और हैबिट में, ठीक है। इनके ये बहुत ही स्मॉल एनुअल से लेके लार्ज ट्री लाइक पेरेनियल तक इसकी जो वेरिएशन है देखने को मिलती है, जैसे कि स्मॉल एनुअल हमारा एजोला हो गया, और लार्ज ट्री लाइक पेरेनियल्स भी हमें देखने को मिलेगा। मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइटिक होती है, मतलब डिप्लॉइड इन नेचर होगी, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होगी रूट्स में, स्टेम में एंड लीफ में। एंड ब्रायोफाइट जो होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ गैमेटोफाइट, हैप्लोइड होता है वो। मेन रूट्स जो होते हैं इफेमेरल होते हैं, और जैसे वो रिप्लेस कर जाते हैं एडवेंटिशियस रूट से जो कि हमारा डेवलप होगा राइजोम से, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट्स इस रूट्स को कहते हैं जो, जैसे कि रूट्स के निकलने का जो जगह है वहाँ से रूट्स ना निकल के किसी और जगह से निकल जाते हैं तो वह एडवेंटिशियस रूट्स कहलाते हैं। जैसे कि इस केस में रूट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो राइजोम से हो रहा है, और जो टेरिडोफाइट्स का जो प्राइमरी रूट होता है वो इफीमेरल होता है, और वो जल्द से जल्द रिप्लेस कर जाता है एडवेंटेशियस रूट से जो कि हमारा डेवलप होता है राइजोम से। स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड राइजोम होता है, जिससे कि फर्न जो होता है रिप्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिवली, और कुछ प्रिमिटिव फर्न्स जो होते हैं वो ट्री लाइक स्टेम भी उसमें पाया जाता है, देखने को मिलता है। जो लीफ होगी अगर स्केली होगी तो वो इक्वेजेटम है, जिसका जो कि ज़ीरोफाइटिक कंडीशन में पाया जाता है। कुछ स्मॉल होती है, सेसाइल होती है लाइकोपोडियम में जैसे, और कुछ लार्ज पेटियोलेट एंड कंपाउंड होते हैं जैसे कि फर्न्स में। लीफ स्मॉल भी हो सकती है, माइक्रोफिलस लाइकोपोडियम हो गया, और लार्ज भी हो सकती है मेगाफिलस जैसे कि टेरिस में, और दे आर कॉल्ड फ्रॉन्ड। जो लार्ज लीफ होते हैं मेगाफिलस होते हैं उनको फ्रॉन्ड भी बोलते हैं। जो रूट होती है और स्टेम होती है उनके पास वेल डेवलप वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि कंपोज होता है जाइलम एंड फ्लोएम से, और जो जाइलम होती है वो बनी होती है ट्रैकीट से, और फ्लोएम जो होती है वो सीव ट्यूब से बनी हुई होती है, इसमें कोई भी कैम्बियम देखने को नहीं मिलता है। पॉलीपोडियम टेरिडोफाइट का प्लांट बॉडी देख सकते हैं, ये रूट है आपका, ये राइजोम है एंड दैट इज पेटियोल, ये ब्लेड है, ये फ्रॉन्ड है।
इस डायग्राम में भी पार्ट ऑफ फंड्स का देख सकते हो। फंड आप फंड्स जो होते हैं ना आप अपने गार्डन में भी देखोगे तो आपको मिल सकता है, आप देख सकते हो। इसका जो लीफ होता है ना ये काफ़ी खूबसूरत होता है। ये मैं बना के दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का होगा और ये गोल गोल इस पे जो होता है ना ये स्पोर्ट्स लगे रहते हैं। ये स्पोर्ट्स जब मिट्टी में जब जाते हैं तो ये न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो इसको मैं बड़ा करके दिखा दी यहाँ पे, तो ये आप देख रहे हो रूट्स है, राइजोम है, स्टॉक है, स्टीप्स द स्टॉक बिलो द ब्लेड और ब्लेड्स वगैरह लगे हुए हैं। द एक्सपैंडेड लीफ पार्ट लीफी पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड द होल फर्न लीफ ब्लेड एंड स्टॉक ये है। यहाँ पे एक्सिस है, रैचीज है, द स्टॉक विथ विद इन द ब्लेड एंड पिन्ना लीफलेट है। ये पिन्ना जो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर है दैट इज़ पिन्ना एंड पिन्ना लीफलेट अ प्राइमरी डिवीज़न ऑफ द ब्लेड। पेन्यूल ए सब लीफलेट अ डिवीज़न ऑफ पिन्ना। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो डायग्राम है, ये फंड का बना हुआ है, इसके पार्ट्स को लेबलिंग किया गया है आप देख सकते हो, या आप लैब मैनुअल में भी इसको अच्छे से देख सकते हो। रिप्रोडक्शन का देखते हैं, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रैगमेंटेशन ऑफ राइजोम के ज़रिए से होती है और एडवेंटेशियस बर्ड्स जो होते हैं उसमें फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, तो उस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्ट्स के सहारे भी, जो कि प्रोड्यूस होता है स्पोरेंजिया में स्पोर्ट्स रहते हैं और स्पोरेंजिया यूजुअली जो होती है वो हमारी वेंट्रल सरफेस ऑफ लीफ पे देखने को मिलेगा। जो ग्रीन कलर का फर्न का लीफ होता है उसमें काफ़ी एक्सपोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ब्राउन कलर का आपको स्पोर्ट्स देखने को मिलता है, काफ़ी देखने में काफ़ी फैसिनेटिंग होता है। आपने कभी देखा भी होगा या फिर आप देखिएगा अपने गार्डन में जाके या कंट्री साइड या किसी भी जंगल में, जो कि हम आपको बॉटनी गार्डन में भी देखने को कॉलेज के मिल सकता है, फर्न लगा रहता है। ये एक फर्न आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे काफ़ी सारा फर्न होगा क्योंकि इसके स्पोर्ट्स जो होते हैं ना उसी मिट्टी में बार बार गिर के न्यू जो फर्न होता है इसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारा फर्न आपको देखने को मिल सकता है। स्पोरेंजिया जो होती है सरफेस ऑफ लीफ पे होती है, क्लस्टर के फॉर्म में होती है जिसको सोराई बोलेंगे और सिंगल उसका फॉर्म होता है सोरस होता है। और ये जो लीफ होती है ना जिसमें स्पोरेंजिया होता है उसको हम लोग स्पोरोफिल लीफ कहते हैं। वैसे लीफ जो जिसमें स्पोरेंजिया होगा मतलब स्पोर्ट्स बियरिंग लीफ को हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल के पास मेगा स्पोरेंजिया होगा और तो उसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। अगर मेगा स्पोरेंजिया होगा तो मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरेंजिया होगा तो माइक्रो स्पोरोफिल कहेंगे। स्पोरोफिल या तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या एग्रीगेट फॉर्म में होगी या कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर होगी, जैसे कि स्ट्रॉबिलाई। ये जो स्पोर्ट्स होंगे यहाँ पे फर्न्स में तो लीफ पे होते हैं लेकिन कुछ प्लांट होते हैं इक्विजेटम वगैरह में तो कोन के फॉर्म में होंगे। इसमें पूरा स्ट्रॉबिलाई बना होता है, पूरे में स्पोर्ट्स बड़े रहते हैं, स्पोरेंजिया रहता है। ठीक है, इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है। एक्वेटिक फॉर्म जो हो गया हमारा एजोला हो गया, सेल्विनिया हो गया, मार्सेलिया हो गया और स्पोरेंजिया जो प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो होता है ना एजोला सेल्विनिया मार्सेलिया के पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोर्स होते हैं, उनको स्पोरोकार्प बोलेंगे। ठीक है, स्पोरोकार्प बोलेंगे। जैसे कि फर्न्स में प्रेजेंट है तो स्ट्रोफिलस स्पोरोफिल्स हो गया एंड कुछ कोन्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं तो स्ट्रॉबिलाई उनको बोल देंगे। लेकिन अगर वही एक्वेटिक फॉर्म में एजोला सेल्विनिया के पास जो स्पोर्ट्स प्रेजेंट है एक स्पोर्ट्स बियरिंग एक स्ट्रक्चर जो है उसको स्पोरोकार्प बोलेंगे। ये आप फर्न का देखो एग्जांपल, ये जो देख रहे हो ना ये एक वन सोरस है और यहाँ पे मल्टीपल स्पोरेंजिया, यहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजिया है। ये आप देख सकते हो इक्विजेटम है, इसकी कोन्स के फॉर्म में या इन सब में स्पोर्ट्स भरा हुआ है। ये क्या है हमारा स्ट्रॉबिलाई है। ये हमारा फर्न गेमेटोफाइट है, डैट इज़ एन इन नंबर है, हैप्लॉइड है। ये आर्किगोनियम है, डैट इज़ मेल
सेक्स ऑर्गन एंड एंथ्रीडियम है डैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये गैमेटोफाइट है डैट इज़ हैप्लॉइडी नंबर एंड राइजोइड्स है एंड आर्किगोनियम दैट इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड थ्रीडियम दैट इज़ मेल सेक्स ऑर्गन। स्पर्म्स एंड एग यहाँ से रिलीज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड न्यू प्लांट बॉडी दैट इज़ स्पोरोफाइटिक एंड मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइटिक दैट इज़ डिप्लॉइडी नंबर। इसके टाइप्स देखेंगे तो सिलोप्सीडा के एग्जांपल सिलोटम हो गया, लाइकोप्सीडा का एग्जांपल लाइकोपोडियम सिलेजिनेला हो गया, सिनोप्सीडा का एग्जांपल इक्वेजेटम जिसको हॉर्स टेल बोलते हैं, टेरोप्सीडा एंड फिलोप्सीडा का एग्जांपल हमारा टेरिडियम एंड एडियंटम हो गया। कुछ ट्रिडोफाइट होते हैं उनको हम उनका ऑर्नामेंटल वैल्यू होता है, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, काफ़ी अच्छे फैसिनेटिंग होते हैं, तो उनको सजावट के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि जो उनका जो लीफ होता है फॉलिएज होता है वो बहुत ही ग्रेसफुल होता है। और फर्न्स को हम लोग गार्डन में भी ग्रो करते हैं एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ ड्रग में भी यूज़ करते हैं जैसे कि जो हमारा राइजोम और पेटियोल होता है ड्रायोप्टेरिस का, उसको हम यूज़ करते हैं जिससे एंटी हेलमेंथिक ड्रग हम लोग उससे इल्ड करेंगे। लाइकोपोडियम हो गया जिससे हम लोग र्यूमेटिज्म को ट्रीटमेंट करने के लिए एडियंटम का रूट होता है उसको हेल्प करते हैं थ्रॉट इन्फेक्शन से को ट्रीट करने के लिए। कुछ ट्रिडोफाइट को हम लोग एज अ फूड भी यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छा स्टार्च पाया जाता है, सोर्स होता है गुड एंड रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। सॉइल बाइंडिंग भी अच्छा होता है क्योंकि ना जो ट्रिडोफाइट्स होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो हेवी रेन हो गया या बाढ़ आया तो इस तरीके से मिट्टी कट के नहीं वहाँ से जाएगी, मिट्टी को वो पकड़ के रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा सॉइल को, सॉइल इरोजन से बचाएगा, सॉइल इरोजन नहीं होने देगा और हिली स्लोप्स पे जो मिट्टी गिर जाता है तो उससे जो प्रॉब्लम्स होती है उन सब से वो नहीं होने देगा, बाइंड करके रखेगा सॉइल को। एंड इक्वेजेटम का जो स्टेम होता है ना उसको हम लोग ना क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल बर्तन साफ़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं इक्वेजेटम के स्टेम्स को, और मेटल को पॉलिश करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और बायो फर्टिलाइज़र भी ये बहुत अच्छा है जैसे कि अज़ोला जो होता है ना वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है साइनोबैक्टेरियम एंड एनाबेना, और इसको यूज़ करते हैं इनोक्यूलेटेड टू पैडीफील्ड टू फंक्शन एज अ बायो फर्टिलाइज़र, पैडीफील्ड में भी यूज़ करते हैं इसको एज अ फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र। आई होप वीडियो पसंद आई हो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।